दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपने पास ये एक तार चाहिए हुई है। ठीक है, ये देखिए, इसको हमारे यहाँ जो लाते हैं इसको बोलते हैं सऊदी की तार। तो कहाँ से आती है? तो शायद ये सऊदी की ही होगी। ठीक है, तो इसको आज हम रिपेयर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं इसमें आखिर हुआ क्या है। सबसे पहले तो ऑन ऑफ करके देख लेते हैं, कोई रिस्पॉन्स इसका नहीं आ रहा है। तो आइए बैटरी चेक करते हैं, बैटरी सही है खराब। तो इसमें ये तीन बैटरी का मतलब एक बना हुआ है, 1.2 वोल्ट वाला बैटरी इसमें लगा रहता है, एक तीन भाग में है ये। तो इसको चेक करते हैं कितना पावर है इसमें आ रहा है। तो ये वाला मीटर थोड़ा गड़बड़ है अपना, दूसरा मीटर लेते हैं। ठीक है, इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो बैटरी का पावर देख सकते हैं आप, सब 4 वोल्ट ही हमको दिखा रहा है, मतलब बैटरी फुल चार्ज है अपनी। और ये जल भी नहीं रहा है। ठीक है, तो हम एक काम करेंगे कि चार्जर से एक बार इसको जला के देख लेते हैं कि आखिर ये चार्जर पे जल रहा है या नहीं। ठीक है, तो इसके लिए हमको इसका चार्जर चाहिए। तो इसका चार्जर तो 4.5 वोल्ट का होता है। तो एक चार्जर से हम इसको चेक करते हैं पहले। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने चार्जर को जो है कि लाइट से कनेक्ट कर लिया है, तो इसको लगा के देखते हैं कि पावर पे ये जलती है या नहीं। तो देख सकते हैं ये मतलब चार्जर पे काम कर रही है। कस्टमर ने हमको बताया था कि बैटरी से नहीं जल रही है। एक बार बैटरी से चेक करते हैं फिर से, ऑन कंडीशन में इसको रहने देते हैं। ठीक है, ये ऑन कंडीशन में है अभी, देख सकते हैं बैटरी से ये नहीं चल रहा है। ओके, ये समस्या है इसमें। तो सबसे बड़ी बात इसमें जो होती है अपनी खोलने की, सबसे बड़ी समस्या होती है इसमें, ये जो खुलता है कई जगह से खुलता है। देखिए यहाँ से भी खुल रहा है, तो यहीं से हम खोलेंगे इसको क्योंकि यहीं से हमको काम भी है। ठीक है, और इसके बाद हमको इसको भी खोलना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर ही अपना जो प्रॉब्लम है सारा है, ये तो बाहर निकलेगा नहीं। अगर यही निकल जाए तो काम हो जाएगा, बट ये नहीं निकल रहा है मेरे हिसाब से, तो इसको ही खोलते हैं। लगता है ये उल्टी चूड़ी तो नहीं है क्या? टाइट करके देखते हैं, टाइट करने पर ऐसा ना हो खुले ये। हाँ, ये उल्टी चूड़ी थी, इसको हटाते हैं। देखिए टुकड़े टुकड़े में हो चुका है। ये देख सकते हैं आप सब, कई भाग में ये टुकड़ा टुकड़ा हो चुका है इसका। इसको निकालते हैं बाहर अब। ये देखिए पूरा बाहर यहाँ से आ रहा है ये। तो ये अपना निकल चुका है, अब सारा कमी जो है इसी के अंदर है। इसको हम खोलते हैं। तो इसको मैंने खोल लिया है। अब इसमें ऐसा कमी है कि बैटरी से नहीं चल रहा है लेकिन अपना पावर से डायरेक्ट जल रहा है। ठीक है, सबसे पहली कमी ये वह है इसकी ग्राउंडिंग की, इसको हम देख लेते हैं। और एक बैटरी से हम डायरेक्ट इसको टच करा के चेक करेंगे पहले। ये हमारी 3.7 वोल्ट की बैटरी है, तो इसका ये पॉजिटिव हुआ और निगेटिव ये इसका है। चेक करते हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ये काम कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो इसका मतलब कमी जानते हैं आप सब कहाँ पर है। सिंपल सा, ये जो इसका पिन है ये वाला, ये पिन इसका जो है बिल्कुल सीधा होना चाहिए, जो टेढ़ा हो चुका है। तो इसको मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ एक किस कंडीशन में रहेगा। बस जो कमी है, बस इसी थोड़ी सी कमी है। हमको लगता है ये गिरने की वजह से ये टेढ़ा हो गया है। तो ये देख सकते हैं, इसको मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से यहाँ पे सोल्ड कर दिया है, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए इसको फिट करते हैं और देखते हैं। ओके, इसके साथ में इसको फिट कर लेते हैं।
ये ऐसे रहा दोस्तों। ओके, अब इसके बाद इसमें काफ़ी बारीक बारीक चीज़ें होती हैं। जैसे ये देखिए, एक सबसे ज़रूरी चीज़, ये इसका प्लास्टिक का एक गुटका है जो की को दबाने का काम करता है। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगेगा, ये देखिए। ओके, तो इसको हमको यहाँ पे लगाना होता है, तो इसको हम लगा लेते हैं। तो देखते हैं ये कैसे लगता है। मेरे हिसाब से ऐसे ही लगेगा, ठीक है। इसको मैंने इसके अंदर इस तरीके से फिट कर दिया है, क्योंकि इसको भी बैठाना भी एक सबसे बड़ी बात होती है। तो इसको मैं फिट करता हूँ अब। तो ये काम तो सही कर रहा है, बट एक बार चेक कर लेते हैं। ये निगेटिव इसका हुआ, ये पॉजिटिव, ये काम कर रहा है दोस्तों। देख सकते हैं, इसकी बैटरी चेक करते हैं अब। ये देख सकते हैं, इसकी बैटरी से भी ये सही काम कर रहा है। तो अब इसको हम टाइट करते हैं, नहीं तो जो यहाँ से जब ये लॉक मतलब थोड़ा इसको लगाएंगे हम, तो ये पीछे आगे सरक जाएगा, तो इसको हमको टाइट करना पड़ेगा। तो ये सब टुकड़ों में एक बार हम इसको असेंबल करने का प्रयास करते हैं फेविक्विक से, फिर ट्राई करते हैं इसको बांधने का। सोचते हैं ये टूटने के बाद ज़्यादा तो असेंबल नहीं हो पा रहा है, बट थोड़ा सा मैंने इसको किया है ताकि ये वायर को शॉर्टिंग करने से रोक सके, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लगाता हूँ बस वायर को रोकने के लिए, और ये अपना बल्ब के ऊपर लगेगा। ओके, अब टाइट करते हैं इसको, मतलब ये अब टाइट करने पर ढीला होगा, ढीला करने पर टाइट होगा, उल्टी चूड़ी है ना ये। तो इस तरफ ढीला होगा ये, जिस तरफ मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये टाइट हो चुका है, तो इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये अपना टाइट हो चुका है, ये काफ़ी ज़्यादा हीट हुआ है इसलिए ये जो है इस कंडीशन में है। तो ये जलने लगा है, देख सकते हैं आप सब अपना टॉर्च, ये देखिए काम कर रहा है बिल्कुल सही। तो ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।